नमस्कार दोस्तों, फिजियोथेरेपी अवेयरनेस प्लेलिस्ट के इस अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको करेंटली जो NHM के अंडर रिक्रूटमेंट हो रहा है और उसका क्या हाल है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी NHM के अंडर रिक्रूटमेंट है, स्पेसिफिकली मैं ओडिशा की बात करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पूरी में जो NHM में जो अभी नौकरी पाए हैं तो उनका क्या सिचुएशन है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है और उसको मतलब वो सुनने के बाद मैंने मुझे ऐसा लगा कि इससे तो प्राइवेट जॉब ही अच्छा है, पर गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होता है। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा अवेयर हो सके। तो दोस्तों आपने जॉब वैकेंसी की प्लेलिस्ट में देखा होगा जितने भी हमारे फिजियोथेरेपी पोस्ट निकलते हैं NHM के अंडर में रिक्रूटमेंट मैक्सिमम होता है। NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में हमें रिक्रूटमेंट मिलता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट मिलता है, परमानेंट जॉब नहीं होता है। आपने देखे ही होंगे नोटिफिकेशन, अगर नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जॉब वैकेंसी की वीडियोस में आपको अवेयरनेस होगा। NHM के अंडर में बहुत सारे जैसे कि जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं, PSC के रिक्रूटमेंट निकलते हैं। अभी जो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस मिशन जो खोल रहे हैं, आप देखे होंगे हर जगह अर्बन एरियाज़ में ये खोल रहे हैं। हमारे पूरी में भी हमारे जो ताड़ाबनिया एक जगह है वहाँ पे एक है, तो वहाँ पे और बाकी जगह पे क्या हो रहा है अभी। तो दोस्तों वहाँ पे आयुष डॉक्टर्स भी आपको पता है, उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट, वहाँ पे योगा भी होता है, तो वहाँ पे सब चलता है। तो वो जो मतलब आपको जो पेमेंट होता है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है पर्टिकुलरली। तो दोस्तों NHM के अंडर आप जो रिक्रूटमेंट पा रहे हैं, तो पहले तो बात है कॉन्ट्रैक्चुअल है और ये आपके पर सेशंस आपको पेमेंट करते हैं। मतलब मैंने जो सुना हूँ कि वो उनका दो सेशन रहता है, मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप जाके आप अपना सर्विस दे सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि फ़िलहाल के लिए उन्होंने अपना जो अभी करेंटली उस NHM में जो कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट है उनके साथ मेरा बातचीत हुआ था, वो बोल रहे थे कि उनका जो सेशंस है वो कम हो गया है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो बोल रहे थे कि उनका सेशंस कम हो जाने की वजह से उनको बहुत ही दिक्कत हो रहा है, जो सैलरी मिल रहा था वो नहीं अभी मिल रहा है। तो कितना हॉरिबल सिचुएशन है मैं आपको अभी आप रियलाइज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20 उनका टोटल 52 सेशंस रहता है NHM में, मतलब हर मंथ में 52 सेशंस रहता था। अभी वो 52 सेशन से घटाकर वो 10 सेशन कर दिए हैं, समझ पा रहे? 52 सेशंस मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वहाँ पे उनको 52 सेशंस का पैसा मिलता था, अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ मंथली 10th सेशन का उनको पैसा मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, और दोस्तों फर्स्ट सेशन उनको 500 रुपीज़ से मिलता है। तो दोस्तों सोचिए 500 रुपीज़ पर सेशन, मतलब 10 सेशन करते हैं तो कितना हुआ, महीने में 5,000 हुआ। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, क्योंकि 5,000 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो उनसे वही बात हो रहा था, जब उनका 10 सेशन हो गया वो बोले कि उनका मतलब पाँव तले ज़मीन खिसक जाए उसी तरह उनका सिचुएशन हो गया। उसके बाद वो अभी प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना उनको मतलब वो बाहर से आके हैं, फिर जॉब के हैं, तो उनको उनका जो रेंट होता है घर, मतलब हाउस रेंट होता है वो देना पड़ता है, जो अपना खाने का खर्च होता है वो देना पड़ता है, और भी बाकी सारे खर्च होते हैं। तो आजकल के ज़माने में 5,000 में तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें। पर देखने के तो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल है पर गवर्नमेंट में है ना, तो गवर्नमेंट जॉब है, पर क्या फ़ायदा इसमें, मतलब 5,000 रुपये में क्या होगा, जब आपका अभी रेंट भी आपका 2-3 हज़ार निकल जाएगा, तो वो 2,000 में आप खाना पीना निकल जाए तो कैसे, कुछ भी नहीं हो सकता 5,000। तो मतलब इतना परेशान हो गया कि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़ रहा है अभी। तो इसी तरह, और हमें पता है कि आप अगर गवर्नमेंट में जॉब किए हैं तो जो एक्चुअली रूल रेगुलेशन है, आप और कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल में है तो वो अलग बात है, क्या रूल रेगुलेशन उनका होगा, पर यही मतलब अपडेट देना था। तो आप बोलेंगे तो पहले कितना मिलता था, तो दोस्तों
डिपेंड करता है, मतलब NHM के जो मेरा मेरे कुछ दोस्त, मेरा एक दोस्त कटक में हैं मेरे बैच के, वो उन्होंने भी यहाँ पे मिशन, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस मिशन में उनको नौकरी मिला है, 12,000 rupees पर मंथ उनको मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं 12,000 by 5 करेंगे तो कितना सेशंस, वो मतलब आप जितना सेशन देंगे उतने सेशन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये जो 12,000 से लेकर 26,000 का तक रेंज रहता है, अब अगर 52 सेशंस करते हैं तो आपको 26,000 rupees तक मिल सकता है। पर अभी जो वो सेशंस कम करके 10 सेशन कर दिए हैं वो, तो वो सर प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये सब सिचुएशन है हमारे फिजियोथेरेपी में। तो इस आप बोलेंगे ये सर ये किसका, मतलब ये कैसे ठीक हो सकता है? तो दोस्तों हमारा फिजियोथेरेपी में अब तक कोई नेशनल लेवल का काउंसलिंग नहीं है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। मतलब आपने सुना होगा मेडिकल MBBS लोगों का, BDS लोगों का, उनका MCI होता है। हमारा ऐसा कुछ मतलब नेशनल लेवल का गवर्नमेंट लेवल में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर आप डॉक्टर, मतलब जो कंट्रोवर्सी है, मतलब डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं। और मैंने एक वीडियो में बोला है कि आप पास करने के बाद मेरे सीनियर्स लगा रहे हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं, तो उस वीडियो में मैंने बोला आप कैसे एक्चुअल में लगा सकते हैं। तो उस वो तो वीडियो पुराना हो चुका है, तब मैं सेकेंड ईयर में शायद था, जो मेरे सीनियर्स मुझे बोले थे उन्हीं के हिसाब से मैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था। अभी लेटेस्ट में और एक वीडियो आने वाला है, आप उसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। और मैं आपको उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लगा सकते हैं ठीक से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।